मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने वाले तुम हो अमर। तुम नहीं होते तो मैं पता नहीं कब यहां से भाग चुकी होती। आओ यहां। आओ। क्या? आओ बैठो। क्यों क्यों? आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ब्रेक लिया है। अपनी जान को देखना चाहता था बस। मुझे देखकर मतलब तुम सही हो जाते हो? हाँ, तुम भी तो मुझे ही देख रही थी। ऐसे खड़े नहीं हो मेरे सामने, मुझे शर्म आती है। बताओ कहाँ रहना चाहती हो डेफने? क्या मतलब? मतलब घर की बात कर रहा हूँ। हम शादी करने वाले हैं ना, मेरे यहाँ रहना है या कहीं और रहना है, क्या बोलती हो? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। नानी वगैरह भी हैं, नेहान भी है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे पूरा घर ना एक बड़ी सी जमात लगेगा कसम से, हर वक्त हर जगह भीड़ भीड़, कितना अच्छा लगेगा ना। क्या बोलते हो तुम? तुम्हें फिर सबके साथ रहने की आदत भी हो जाएगी वक्त के साथ साथ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, बस बस मजाक किया था मैंने। एक्सेप्ट करो कि तुम एकदम डर गए थे मेरी बात से। पागल बनाया तुमने मेरी जान, बस एक मजाक था यार। एक साथ रहेंगे चाहे कहीं भी हो। हाँ बस वो थोड़ा फर्नीचर वगैरह अगर चेंज करें तो। मतलब जैसे कि बेड मसलन। मतलब तुम्हारे लिए भी एक शुरुआत है ना, वैसे भी तुम्हारा एक माजी है तो। अच्छा ठीक है, चेंज कर लेंगे डेफिनेटली। हाय मेरी बात सुनो, उस आदमी का चेहरा मेरे सामने है यार, मैं क्या बात करूंगी उससे। हाय नानी रखो, नेहान रखो जरा, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है ना? वो आ रहे हैं। आज शाम मेरे साथ चलोगी तुम क्या? कहाँ? एक इनविटेशन है, वहाँ जाना है, फिर मेरे यहाँ चलेंगे वहाँ से। हाँ मैं नहीं आ सकती यार, शाम को मुझे घर में होना है, फैमिली वगैरह की बातें बस वही। मैं भी शामिल हो जाता हूँ उन बातों में। तुम हमारे यहाँ? तुम्हारे घर वालों को भी मिस किया मैंने, उन्हें भी देख लूंगा। हाँ आओ आओ, क्यों नहीं भाई, तुम आओ हमेशा आओ, लेकिन आज मत आना। आज नानी ने ना पड़ोसियों वगैरह को बुला लिया है, घर में बहुत अजीब है। तो यानी आज शाम को नहीं? नहीं यार नहीं करो ना, कल आती हूँ फिर। अच्छा ठीक है। हाँ उमर। क्या कर रही हो? मैंने मिस किया तुम्हें। हाँ अच्छा है, दावत कैसी चल रही है? हम निकल गए। निकल गए? किसके साथ? फिकरत के साथ, उसके यहाँ जा रहे हैं। क्या? हाँ वो हमें कलेक्शन का पहला पार्ट दिखाना चाहती है, तुम्हें भी लेने का सोच रहे। हाँ लेकिन वो तुम्हारे यहाँ आ रही थी, यहाँ तक कि बस गेट पर ही पहुँचने वाली थी। मेरे पास आ रही थी? हाँ ना, मैंने सोचा कि सरप्राइज दूंगी और तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन तुम तो। अब क्या करें फिर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कभी मिल लेंगे। ठीक है, मतलब जैसा तुम कहो। ठीक है जैसने, ऐसा करते हैं, मैं भी आता हूँ। मैं तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ शुक्रू के साथ, सुबह आकर तुम्हें पिक कर लूंगा, वहीं से तुम कंटिन्यू कर लेना अपना काम। मैं आ जाती। हाँ हाँ हमने देख लिया, चलो।
मैंने क्या बोला? कि मैं आ रही हूँ, ये बोला मैंने। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ यार? भागो डेफनी भागो। अरे भाई कहाँ जा रही हो? आराम से देखकर तो भागो। इस्माइल मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। या अल्लाह, फिर से कुछ हुआ है क्या? यार मेरा ना उमर के पास जाना बहुत जरूरी है। हाय, उड़ के जाना है समझो, इतना जरूरी है। यार मैं तो चौंक गया। डेफनी तुम सच में पागल हो गई हो। अपनी जिंदगी में एक दिन तो परेशानी से दूर रहो, एक दिन नॉर्मल इंसान की तरह जियो, खाओ पियो, टेंशन फ्री रहो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम 24 घंटे मुझे परेशान ही नजर आती हो। नहीं 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 होता ना मतलब। हाय उमर इब्लिक्ची की बीवी बनना कितना मुश्किल है यार। इसलिए उस आदमी से यार मैं शादी नहीं कर रही। उस आदमी से शादी करने का मतलब है कि इन सबको अपने पीछे लगा लेना। सूदे, नरमीन मैडम, ट्राम्बा, एक एक बंदा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है रिलैक्स हो जाओ। उमर की शादी ना करने की वजह एक ये भी है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता नहीं। अगर करता तो अब तक शादी कर चुका होता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें इतनी कोशिश क्यों करनी पड़ती? खुद सोचो जरा। हाँ सही कहा, मतलब मेरी लाइफ तो किसी परेशानी और मुसीबत के बिना चल ही नहीं सकती। वल्लाह कसम से इतना झूठ बोल बोल के ना मैं तो एक झूठ की बुढ़िया ही बन के रह गई हूँ। डेफनी जी, ये इश्क बहुत ही कमीना होता है। कब क्या करते कुछ नहीं पता होता। बिना कुर्बानी दिए इसमें कुछ हासिल नहीं होता, याद रखना। हाँ ठीक है, फिर चलो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। चलो चलो जल्दी से निकलते हैं यार, अर्जेंट है समझो। डेफनी तुम चलो चलो, पागल पागल कर दोगी अपने साथ साथ। अरे यार रुको, चल इंशाल्लाह जो हुआ ना ऐसा कभी भी नहीं होगा। जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। उमर घर में है क्या? खुश आमदीद। क्या हाल बनाया हुआ है डेफने? नहीं पूछो, सांस फूल रही है। लेकिन क्यों आखिर? वो बस मैं आई ना, तुम थे नहीं तो मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लूं। बस वही कर रही थी, सीढ़ियों ऊपर चढ़ी नीचे उतरी तो बस सांस फूल गई। तुम समझते हो ना, फूल जाती है, मेरी आदत है यार। किसी चीज के पीछे लग जाती हूँ ना तो लग जाती हूँ। ऐसे चैलेंज में पड़ती हूँ कि बस फिर अपनी जान से ज्यादा मेहनत करती हूँ। तुम समझ नहीं सकते, अपने आप को साबित करके ही रहती हूँ। बहुत सीढ़ियां चढ़ी अभी मैंने। तो क्या कर पाई तुम? तुम्हारे ख्याल में? आओ पानी पियो, आओ। इस्माइल की कार देखी मैंने बाहर। हाँ सही कहा। हाँ मैंने कहा कि बस मैं उमर से मिलके आ रही हूँ। हाँ मुझे जाना है। तुम जा रही हो क्या वापस? हाँ मुझे जाना है, बस तुम्हारी याद आ रही थी ना तो बस मैंने सोचा कि तुम्हारा चेहरा देख लूँ आकर। फिकरत आ गई क्या? क्यों, फिकरत क्यों आएगी? नहीं तो फिर नरमीन मैडम तो नहीं आ गई कहीं? डेफने क्या हो रहा है? रिलैक्स हो जाओ। होगी, रिलैक्स हो जाओ, रुको। तुम्हें याद आ रही होगी, मैंने सोचा आ जाता हूँ। आओ। क्या हाल है डेफने? ठीक हूँ सिरान सर, और आप? कहाँ जा रहे हो उमर तुम? मतलब अब तुम शादी करने लगे हो तो मुझे भूल जाओगे? बास्केटबॉल नहीं खेलोगे मेरे साथ? हाय प्लीज कर लेना शादी, मतलब प्लीज कर लेना, मतलब मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हर जगह खुशी ही खुशी होगी, मतलब वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे ना, इस वजह से बोल रही हूँ। ओ भाभी से इजाजत मिल गई, तो क्या कहते हो? पता नहीं क्या बता रही है यार वो। नहीं मेरी जान अगर कुछ बता देती तो उमर ऐसे नहीं रहता, लेकिन कभी भी बता सकती है यार। और एक तो वो सिमर, अगर उमर पर इसका असर पड़ गया तो फिर, अगर उसने सिमर की कहानी उसे बताती तो फिर, और अगर उमर इस पर आशिक हो गया तो। लाइट्स में इसके कलर भी बदलते हैं, जहाँ से भी देखो अलग ही नजर आएगा। मैंने इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है। कॉन्सेप्ट आइडिया के साथ थीम का होना ज़रूरी है ताकि आपस में मैच रहे। अच्छा है, शूज़ के साथ भी मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में भी एक दो चीज़ें हैं, जैसे इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं, मसलन डिफरेंट एस्थेटिक्स कैचअप करने के लिए। यानी एक चीज़ जहाँ से दिखती है वो दूसरी जगह से ना दिख पाए।
उमर, मैंने आज तुम्हारे घर में एक फ्रेम देखा है, वो सिमर्ज वाला लोगो। हाँ। वो तुम्हें कहाँ से मिला? फिक्रत, ये वो बात है जो मैं नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल है। पर्सनल? ये बातें वो हैं जो करने की नहीं है। डेफनी को तो पता होगा। हाँ, वो जानती है। डेफनी मेरी मंगेतर है, हम शादी प्लान कर रहे हैं। हाँ जानती हूँ उमर, असल में वो लोगो। फिक्रत, मुझे बात नहीं करनी है, सीरियसली। हाय, फिर उलझन में पड़ गई यार मैं। बस हो गई, अब नहीं रह पाऊंगी मैं से। लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही है। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मानो तो मेरे खिलाफ जाने की भूल मत करना डेफनी। मुझे रियल रिएक्शन मत दो क्योंकि तुम रियल नहीं हो। उमर जो हर दिन अपनी असिस्टेंट देखता है उसको मैं क्रिएट करती हूँ। उमर तो रियल डेफनी को जानता तक नहीं है, वो मेरी बनाई हुई डेफनी को जानता है। और वैसे भी उमर कौन और तुम कौन? तुमने बताया उसको? बताया या नहीं उमर को? हाँ, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम खुद को सही डायरेक्ट नहीं कर पा रही। तुम एक अमीर शिकारी वाली सिचुएशन में हो मेरी जान। मेरी एक बात समझ नहीं आती, इंसान खुद को ऐसी सिचुएशन में कैसे डाल सकता है? असल बात यह है कि तुम एक लड़की हो डेफनी, तुम्हारी लाइफ में पैसे कमाने के लिए और भी रास्ते हैं। एक चीज पूछूंगी। क्यों डेफनी? तुम जानती थी कि मैं उमर को जानती हूँ, बता देती तो क्या हो जाता? क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया मुझे? लेकिन तुम्हारा उमर को चाहना, तुम उसे धोखा क्यों दे रही हो आखिर? इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकती हो? कितने आराम से तुमने झूठ बोल लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उमर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। O güzel yüzüne toplamış yine bütün güneşi üstüne kamaşıyor gözlerin bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim, cennet dudaklarınmış öp de Defne! Gel asla gibi.
yumuşak o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, böyle gülmek olur mu, gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öneyim. Aşkmış adı. तुम यहाँ पर हो, नाश्ता वगैरह तैयार हुआ या नहीं हुआ? आते ही ना सलाम ना दुआ। इंसान पहले गुड मॉर्निंग बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है, देखता है। तुम्हारा ऐसे हर सुबह खूबसूरत तरीके से उठना जरूरी है क्या? क्या खूबसूरत है मुझमें? एक डायन की तरह बाल हैं। लेकिन मैं तो मरता हूँ तुम्हारे हाल में, उसका क्या करें? और उसके बाद तुम्हें यूं इस तरह मुस्कुराना भी मना है। अच्छा, और वो क्यों? देखो अभी तुम इसका मतलब सीरियस हो बहुत। हाँ, बस ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं लगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें सुकून मिलेगा ना। तो आज बस ख्वाब ही ख्वाब देखे चले जा रही हूँ। तुम्हें खाना नहीं है? अगर तुम्हें कहा जाऊं तो मतलब, लेकिन अभी हम कितना अच्छे से मिले हैं। मिले हैं मतलब? हाँ, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना है। मसलन तुम लाल हो जाती हो जब पैनिक होती हो। अभी तो मैं लाल हो गई, देखो मेरे गाल कैसे हो रहे हैं। जब खुश होती हो तो, या फिर जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो बहुत बातें करती हो। हाँ है ना, सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ ना, बक 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 करती रहती हूँ।
बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। नहीं मेरी चाह, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम ऐसे ही रहो और मैं तुम्हें सारा दिन देखता रहूं? और अगर बाद में बोर हो गए तो? अगर बोर हो गया तो हम कुछ और कर लेंगे। टमाटर है, सलाद है, अंडे हैं, ठीक है ना? हाय, लाल हो गई ना मैं फिर से, देखो। देखो हो गई ना लाल, बताओ।